जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान होने वाले राशन सामग्री पशु चारों की रेट निर्धारित की प्रक्रिया समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के रेट निर्धारित होते थे और उस रेट का पूरी तरह से अनुपालन कराया जाता था, जिससे कोई अधिक रेट न लेने पाए। इस समय लॉकडाउन का अनलॉक फेज वन चल रहा है। जनता अब घरों से बाहर निकलकर दुकानों पर खरीदारी कर रही है। उनके पास होम डिलीवरी के अलावा अन्य विकल्प भी है, जिसको देखते हुए रेट निर्धारण की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अब मार्केट रेट पर ही जनता सामान खरीद रही है। अब रेट मार्केट से डिसाइड कर रहा है, लेकिन उस रेट की जांच के लिए टीम बनाया गया है, जिससे कि मार्केट में रेट अधिक ना होने पाए और दुकानों को रोस्टर के हिसाब से खोलने के लिए बताया गया है। सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और दुकान के आगे गोला बनाना है और थर्मल स्कैनर रखना है। मास्क लगाकर दुकान पर काम करना है, जिसके कारण संक्रमण ना फैल पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए पहले सब रेट्स निर्धारित होते थे लॉकडाउन के समय में, और वो रेट्स सर्कुलेट होते थे हर जगह, और उस हिसाब से फिर उसकी बिक्री होती थी और सुनिश्चित किया जाता था कि उससे ज़्यादा रेट पर कहीं अगर बिक्री हो रही तो उस पर कार्रवाई की जाए। पर जब से ये लॉकडाउन का अंतिम फेज शुरू हुआ है, जो इसे अनलॉक वाला फेज़ कहते हैं, तो इस फेज़ में रेट निर्धारण की आवश्यकता नहीं प्रतीत हो रही, क्योंकि अब जनता अपने सामान स्वयं लेने घर से निकल गई है। होम डिलीवरी के अलावा भी अन्य विकल्प हैं जो जिस पे जनता विचार कर रही है, तो अब जो मार्केट रेट्स हैं उसी पे जनता सामान खरीद रही है। और फिर भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं कि कहीं किसी चीज़ का रेट ज़्यादा के बढ़े ना, अगर कहीं रेट बढ़ता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, पर प्रशासन द्वारा इसका कोई अलग से रेट निर्धारण नहीं किया जा रहा है। देखिए दुकानों के लिए वही नियम है कि रेट्स तो मार्केट डिसाइड करेगा, पर अगर रेट बढ़ते हैं तो हमारी टीम्स लगी हैं चेक करने के लिए। फिर अगर किसी चीज़ का रेट अगर अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाता है तो उसका स्टॉक वेरीफाई करके उसमें क्यों ऐसा कारण आया, ऐसा क्यों बढ़ा, तो हम लोग जाँच कर रहे हैं। इसके अलावा दुकानों को रोस्टर के हिसाब से खोलने के लिए बोला गया है। दुकानों पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे मास्क रखना ज़रूरी है, मास्क पहन के उनको अपना व्यापार करना है, सैनिटाइज़र रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक फिक्स लोगों को अंदर दुकान की एंट्री देनी है, दुकान के बाहर सर्कल्स बनाने हैं या मास्क बनाने हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर हो सके। इसके अलावा दुकानों में और भी जो कर्मचारी आते हैं उनके नियमित समय थर्मल स्कैनिंग करानी है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अभी उनको दुकानदारों को डायरेक्शंस फॉलो करने हैं। जहाँ तक रेट की बात है तो रेट अब मार्केट ड्रिवन हो गया है, और जैसा जिस चीज़ का रेट मार्केट डिसाइड करता है उस हिसाब से वो रेट है। प्रशासन रेट निर्धारण में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, पर हाँ कहीं पर अगर ज़्यादा रेट बढ़ता है, किसी चीज़ की रेट में अनएक्सपेक्टेड बढ़ोतरी होती है, तो उसके लिए जाँच के लिए हमारी टीम्स बनी हुई है, उसका अलग से विचार किया जा रहा है।